स्ट्रेटिफिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट कास्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल सेगमेंटेशन especially इन द context ऑफ इंडिया where द कास्ट सिस्टम exists इवन today हम जब बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की तो हमें इस बात को समझना है कि कास्ट एक अहम शनाख्त है इस हवाले से वो किस तरह से ख़ास तौर पर जब हम बात इंडिया की करते हैं इंडिया के अंदर शुरू से ही उनका मज़हब और कास्ट वो ऑलमोस्ट एक ही समझे जाते हैं यानी वहाँ पर भी चार हवालों से माशरे को चार ग्रोहों में तकसीम किया गया है और वही उनकी मज़हबी पहचान है और वही उनका कास्ट सिस्टम है चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि देयर आर थ्री थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन सोशोलॉजी दीज Act as tools that help to examine a subject from three different perspectives. And when we want to highlight the role of individuals on the basis of some specific identity or on the basis of some specific caste, then definitely there are the lenses of structural functionalism, symbolic interactionism, and conflict theory. Inkar role isle ha se hai. कि जब हमने बात की कि इंसानों की पहचान उनकी कास्ट की बेस पर है रवायती माशरों के अंदर और फिर हमने ये भी आइडिया होना चाहिए या हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि एक तो वो रवा एक तो वो रवायती तकसीम है जो भारत में मौजूद है लेकिन एक वो रवा एक तकसीम वो भी है जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मौजूद है जहाँ पर के ज़ात पात का निज़ाम है और ज़ात पात के निजाम की बुनियाद पर भी मुआरे में मुख्तलिफ़ गोह जो हैं मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म की ज़ातें जो हैं वो यहाँ पर भी काम कर रही हैं लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनके अंदर पहला जो फंक्शनलिज़म है फंक्शनलिज़म की बुनियाद यही है दैट द हारमोनी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जस्टेंस इन सोसाइटी यानी ये बात करते हैं कि दुनिया जो है ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह से है ऑर्गेनिज्म कैसे जैसे इंसान का जिसम काम करता है और इस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अज़ा हैं जो जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे जिसम पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकता तो फंक्शनलिज़म वालों का बिलीफ भी यही है कि माशरे के अंदर किसी भी माशरे के अंदर अफराद को अगर हम तकसीम दर तकसीम करते जाएंगे चाहे उसकी बुनियाद कोई भी हो खास तौर पर जब कास्ट की बुनियाद पर तकसीम करेंगे तो अफराद एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक जो है वो कम से कम तर होता चला जाएगा जैसे मैंने पहले बात की कि इंडिया के अंदर वहाँ पर बिलखसूस इंसानों को उनकी दर्जा बंदी है कास्ट के साथ लिंक करते हुए तो ऐसे ही है कि अगर हम ये समझ लें के अहम तरीन काम जो है वो दिल का है दिल के निज़ाम का है बाकी निज़ाम कमतर हैं तो दिल अकेला क्या कर सकता है ऐसे ही भारत के अंदर जो तो चार ज़ातें बुनियादी हैं अगर उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है तो इसी वजह से आज भी वहाँ पर उनके माशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं दूसरा जो स्कूल ऑफ थाट है दैट इज़ सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म दिस थोरेटिकल परस्पेक्टिव रिगार्ड्स एवरी फेसिट ऑफ सोशल लाइफ एज कंस्ट्रक्टेड बाई पीपल टू रिप्रजेंट सिम्बल्स अब ये जो सिम्बल्स होते हैं ये बुनियादी तौर पर किस वजह से होते हैं ये इंसानों की आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी पोजिशन के लिए अहम होते हैं और इन सिम्बल्स का पर्पज़ क्या होता है कि इसके ज़रिए आप ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर सकें लेकिन अगर यही सिंबल्स जो हैं वो कास्ट के साथ लिंक कर दिए जाएं कि एक कास्ट कास्ट जो है वो मजहबी फ़राय सर अंजाम देगी और एक कास्ट जो है उसका उसका काम सिर्फ ये है कि उसने लोअर ग्रेड की ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है तो जाहिर है माशरे में ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनज़म जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ तफरीक पैदा करती है और इससे माशरे के अंदर ज़िंदगी उस मुकाम पर आ जाती है जहाँ इंसान आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त जो है वो नहीं करते इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो डेली कम्युनिक्यूमन कम्युनिकेशन है इसकी बुनियादी सिम्बालिक इंटरेक्शनज थेरी है और अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही ये तफरीक मौजूद हो तो फिर माशरा जो है वो यकसा नहीं रह सकता फिर जो कॉन्फ्लिक थोरिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि अगर किसी एक खास तबके के पास पावर चली जाएगी तो माशरे के अंदर जो हॉस्टैलिटी आ आ जाएगी वो भी मशर्ती कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न बनती है यहाँ अगर फिर हम ये बात को समझ लें कि जैसे भारत के अंदर कास्ट की बुनियाद पर इंसानों को दर्जा बंदी दी जाती है तो इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट वो अपनी पीक पर पहुंचा हुआ है यानी अगर कोई एक कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स सिर्फ वो हकूमत में आ सकता है और दूसरा इंसान अगर वो अपनी मेहनत के बल पर कुछ करना भी चाहे तो उसके लिए माक़ ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन की इंतहा है वो हमें बहुत से रवायती माशरों में नज़र आती है लेकिन इंडिया एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जिससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है